हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बीट रूट्स, जिसे कि हम बीट्स के नाम से भी जानते हैं, क्यों हमारे एवरीडे डाइट में ज़रूर होना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्यों एक हेल्दी डाइट अगर हम ले रहे हैं तो उसमें बीट्स का होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीट्स, जिसे कि सुपर फूड कहा गया है, क्योंकि इसका प्रोफाइल जो है वो काफ़ी न्यूट्रिशंस है। इसमें वो सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि एक ओवरऑल हेल्दी बॉडी को प्रमोट करते हैं। यानी कि अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हो और उसमें बीट्स भी है किसी भी फॉर्म में, तो आप एक एक काफ़ी रिच और अच्छा डाइट आप ले रहे हो। और चेंजेस आपको अचानक से नहीं, लेकिन चेंजेस आपको ज़रूर दिखेंगे, आपकी स्किन में दिखेंगी, आपकी बॉडी में दिखेगी। ये फोलेट से काफ़ी रिच होता है, जो कि एक ऐसा विटामिन है जो की रोल होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीट्स जो है वो हमारे डाइट में ज़रूर हो। मैग्नीशियम से काफ़ी रिच होता है, जो कि हेल्दी बोन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और बोन से रिलेटेड आप देखो तो आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स है, रीज़न वही है अगेन कि पुअर डाइट। और अगर ऐसी चीज़ों को हम अपने डाइट में, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम सामने देखते हैं बट नॉलेज नहीं होती है, समझ नहीं आता है, तो हम इग्नोर करते हैं। जबकि अगर हमें पता हो तो शायद हम इन सारी चीज़ों से, जो कि आजकल इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनसे काफ़ी आसानी से बच सकते हैं। बस करना क्या है, कुछ चेंजेस करने हैं अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में। और वो चेंजेस आपको, आप एक दिन दो दिन करके आपको वो चेंजेस नहीं दिखेंगे, आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, तभी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। और वो डेफिनेटली वो चेंजेस दिखते हैं, आपको अचानक से फील होगा कि अरे मैं तो बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। सो ऐसा ज़रूर होता है अगर हमारा डाइट हेल्दी हो। और आजकल डाइट पुअर होने का रीज़न है कि हम बाहर के जो फास्ट फूड हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बीट्स जो होता है वो कॉपर से भी काफ़ी रिच होता है, जो कि हमें थ्रू आउट डे जो है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम कोई भी काम कर रहे हों, घर बाहर कहीं भी। सो अगर हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, और ये काफ़ी रिच होता है उसमें। सो ओवरऑल अगर आप देखो, यही रीज़न है कि इसे सुपर फूड कहा गया है। और ये एक वर्सेटाइल वेजिटेबल है, यानी कि आप इसको किसी भी फॉर्म में, सैलेड फॉर्म में, स्मूदी फॉर्म में, स्टीम करके, हल्का स्टर फ्राई करके, आप किसी भी फॉर्म में खाओ। इसका सैलेड जो योगर्ट के साथ मिक्स करके बनता है वो आप खाओ। सो किसी भी फॉर्म में खाओ, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आर ओवरऑल हेल्दी बॉडी। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, मैनेज रखता है और बिल्कुल बढ़ने नहीं देता है, जो कि आजकल ब्लड प्रेशर की भी आप देखो तो प्रॉब्लम्स हैं। और हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल। सो ये उसको अगर हम रोज़ नहीं, अल्टरनेट डे, अगर हफ्ते में 3 या 4 दिन भी अगर बीट्स को अपने डाइट में हम ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको चेंजेस दिखेंगे। सो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर से, कैंसर जो कि आजकल काफ़ी, अगर आप देख रहे हो तो हर कहीं ना कहीं सुनने में आता है, इसमें वो सारी चीज़ उसको भी ये रोकता है कहीं ना कहीं, आप देखो तो ऐसी बीमारियों से की तरफ हमें जाने से। वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बढ़ने नहीं देता है, बिकॉज ऑफ इसका प्रोफाइल ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा मैनेज रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता है ये। आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको सुनने में मिलेंगे। अगर ये बीट्स जो है इसमें वो सारी चीज़ें हैं, इसमें जो मिनरल्स, विटामिन्स, जो ये काफ़ी रिच होता है, वो इतना इतना ये रिच है कि इन सब चीज़ों से ये हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आई नो, बट अगर हम
जो हम कर सकते हैं अगर हम ऐड करते हैं इसको अपने डाइट में, तो कहीं ना कहीं इस इन सारी चीज़ों से हम बचते हैं। सो ओवरऑल आप देखो तो काफ़ी आसान है खाना, खाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस हमें खाना होता है, पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि समझ नहीं आता है थोड़ी कि क्या लेना है क्या नहीं, या इग्नोरेंस, वो एक आजकल काफ़ी है कि हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को जानने के बाद भी। बट अगर कभी कहीं किसी से सुन लिया, किसी से पता चल गया, तो उसी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। तो बीट्स का भी ऐसा ही है कि जब भी आप बाहर जाते हो सब्जी लेने, तो आपको ज़रूर बीट्स दिखते होंगे, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी होता है और ये अपने अर्थी अरोमा के लिए भी काफ़ी फेमस है। सो इसका जो रेड कलर है ये काफ़ी अट्रैक्ट करता, बट हम इग्नोर करते हैं कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम, और वो नेक्स्ट टाइम शायद फिर आता नहीं है। सो ज़्यादा नहीं, आप एक ही लेकर आओ और उसका एक दो पीस ही खाओ, दैट्स एनफ। सो हमारे डाइट में बीट्स ज़रूर होना चाहिए और चेंजेस डेफिनेटली आपको अपने स्किन में, आपको अपने बॉडी में दिखेगी। और मॉडरेशन में लेना चाहिए डेफिनेटली, हर फायदे की चीज़ को हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। बीट्स के साथ भी ऐसा है कि हमें ज़्यादा नहीं लेना है, सैलेड फॉर्म में, स्मूदी फॉर्म में बस इसे इतना ही ऐड करना है, और इसके फ़ायदे डेफिनेटली नो डाउट अमेजिंग हैं। सो आई होप कि अगर आप खाते हो तो वेरी गुड, अगर आप नहीं खाते हो तो आज से ही ज़रूर आप अपने डाइट में इसको ऐड करोगे। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप बीट्स खाना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।